वेलकम टू अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2015 में ए नाइट ऑफ हॉरर वॉल्यूम 1 के बारे में बात करेंगे। वेल की एक हॉरर एनथोलॉजी मूवी है जिसे वर्ल्ड के 7 डायरेक्टर्स ने मिलकर क्रिएट किया है, क्योंकि इस मूवी के अंदर हम सभी को 4-5 स्पिंग चैलेंज स्टोरीज बताई गई हैं, जिन सभी के नाम डीमंस, मकाबरा जॉम्बीज, घोस्ट गुल एंड सबअर्बन मर्डर्स के बारे में बताया गया है, जिनमें से मैंने आप सभी के लिए सिर्फ 3 ही क्रिपी स्पिंग चिलिंग स्टोरीज आज के लिए पिक करी हैं। नाउ वी ऑल नो वेरी वेल सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एनथोलॉजी मूवीज। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते ही हैं कि ये एक एनथोलॉजी मूवी है, तो जो भी स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ उन स्टोरीज को एक्सप्लेन ही करूंगा रेदर देन उनकी एक्सप्लेनेशन देने के बजे, क्योंकि एनथोलॉजी ऐसे ही काम करती है। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग हमारी पहली कहानी से शुरू होती है, जिसका नाम होता है Why I'm So Ugly, जो कि एक इंसेन कहानी है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग एक हॉस्पिटल को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही बेसिकली इस हॉस्पिटल में काम करने वाली 31 साल की मारिया नाम की नर्स को देख पाते हैं, जो कि वो प्रोफेशन से फेसियल सर्जन थी। आई मीन सिंपल भाषा में बोलूं तो चेहरे की सर्जरी करने वाली नर्स। वेल, मारिया का हमेशा से ही एक सपना था कि इसको एक काइंड ऑफ परफेक्ट फिगर वाली विद रेलेवेंट गुड लुकिंग नर्स बनना था। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए मारिया ने तकरीबन अपने चेहरे से लेके पूरे फिगर के अराउंड 7-8 सर्जरी कराई होती है। लेकिन इन सभी ही सर्जरी को कराते दौरान समहाउ मारिया का चेहरा अच्छा दिखने के बजाय बल्कि पहले से भी बदतर दिखना शुरू हो गया था, क्योंकि इसके सेल्स और बॉडी के रिलेवेंट मसल्स उस हाई लेवल कॉम्प्लेक्स सर्जरी को बिल्कुल भी झेल नहीं पाई थी। तो बस उसी के ही चलते इसकी बॉडी के मेन फीचर्स के इंटरनल टिश्यूज की मसल, जैसे कि मारिया के एस ब्रेस्ट थाइस और कुछ पब्लिक एरिया के मसल्स, अपने आप ही धीरे धीरे अंदर से डैमेज होना शुरू हो गई थी। तो अब अपनी बॉडी की गिरती हुई हालत को देख मारिया, जिसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फिर से एक और सर्जरी कराए गया अफोर्ड कर सके, वो अपने ही हॉस्पिटल में आ रहे पेशेंट से इन वन वे या अनदर टिपिकल वे में उनके जरिए अपनी बॉडी को ठीक करने के बारे में सोचती हैं। वेल, अब ये कैसे, तो आइए अच्छे से देखते हैं। तो सीन अब थे किधर से चेंज होकर स्ट्रेटली घूमकर फिर से एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल के तरफ ही फोकस करता है, जहां हम सभी ही इस हॉस्पिटल के अंदर एक जेनिफर नाम की पेशेंट को देख पाते हैं। वो कैजुअली इस हॉस्पिटल में आकर सॉरी टू से बट अपनी लूजिंग ब्रेस्ट को टाइट करवाने के लिए आई हुई थी। तो उसके लिए ये अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए मारिया के पास आई हुई होती है। तो जहाँ पर मारिया के केटी की बॉडी को देख, जो की लिटरली काफी अट्रैक्टिव थी और काइंड ऑफ नेचुरल थी, बिना किसी सर्जरी के कराए तुरंत ही उसकी ब्रेस्ट को अपने ऊपर इम्प्लांट करने के बारे में सोचती है। नॉट ओनली से ब्रेस्ट बल्कि इसके हॉट इसके नाखून दांत और उसकी आंखों की पलकों को भी अपने ऊपर लगाने के बारे में सोच लेती है, ताकि मारिया भी नेचुरल दिख सके। तो अब जाहिर सी चीज थी, होना क्या था, मारिया वो अपने पेशेंट केटे को पकड़ जबरदस्ती पास में ही पड़ी टेबल पे लिटाकर उसके हाथ पैरों को रस्सियों से बांध होस्टेज बनाकर ठीक पास में ही पड़े सर्जरी सीजर और ब्लेड को ले केटे को एनेस्थेसिया या बेहोश किए बिना ही उसे ही ब्लेड और सीजर की मदद से बुरी तरीके से इसकी एस और ब्रेस्ट को काट इसकी कटी हुई स्किन को अच्छी तरीके से क्लीन कर वियर्ड तरीके से अपने ऊपर लगा लेती हैं, ताकि ये नेचुरल वे में पहले की तरह अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल दिख सके बिना किसी सर्जरी के। और बस हमारी ये स्टोरी एक नर्स की अजीब सुंदरता की कहानी के साथ क्रीपी तरीके से ठीक इधर ही एंड हो जाती है। खैर, एनीवेज अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जिसका नाम होता है फैमिली विद अ वियर्ड ट्रेडिशनल, जो की एक फ्रेक आउट स्टोरी है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग 18 के टाइम्स को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में रहने वाले एक छोटी सी वियर्ड फैमिली को देख पाते हैं। इस फैमिली के अंदर मदर का नाम जेनिफर और उसकी बेटी का नाम मोली होता है। वेल, यहाँ पर जेनिफर ये हमेशा अपनी बेटी के लिए ऐसा चाहती थी कि मोली वो एक वेजिटेरियन ना रहकर इनकी पास्ट जनरेशन के तरह नॉन वेजिटेरियन बन जाए, क्योंकि आज से पहले इनकी होल इंटायर फैमिली में ऐसा कोई भी सिंगल मेंबर नहीं था रेलेवेंटली मोली को छोड़कर जो नॉन वेजिटेरियन ना हो, जो कि सुनने में और देखने में कोई बड़ी बात नहीं थी। तो बस सब उसी ही पुरानी सोच के साथ फैमिली के ट्रेडिशनल को फॉलो करते हुए और ऑब्वियसली उसको आगे जारी रखने के लिए जेनिफर वो अपनी बेटी को नॉन वेजिटेरियन बनाने के लिए ठीक सामने ही पड़े प्लेट के अंदर उसको बेसिकली कुछ चिकन वगैरह के टुकड़े खाने के लिए देती है। बट ऑन दी अदर हैंड सम हाउ मोली, जिसको कभी भी नॉन वेजिटेरियन बनना ही नहीं था, ये अपने मॉम के दिए गए इस खाने को खाने से मना कर देती है। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड बात को सुन जेनिफर वो प्लेट में से तुरंत एक चिकन के टुकड़े को उठा, तुरंत ही उसको मोली के मुंह
मुंह के अंदर डाल देती है। तो इस चिकन को खाते ही अनजाने में ही सही बट गलती से मौली भी बस वो उन सभी के तरह ही फाइनली नॉन वेजिटेरियन बन जाती है। तो अब सीन ठीक इस क्रीपी इंसिडेंट से चेंज होकर सीधा रात की तरफ ही फोकस करता है, जिसमें मौली वो बस अपने कमरे के अंदर आज दोपहर में हुए उसे चिकन वाले इंसिडेंट से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी कि इसको काइंड ऑफ इस समय ही आधी रात को ही बहुत ही बुरी तरीके से चिकन खाने की भूख लगी हुई थी, जो कि अब इसकी ये भूख कुछ न कुछ चिकन वगैरह खाकर ही मिटने वाली थी, फिर चाहे भले कुछ भी करना हो जाए। तो बस इसी ही बात को देखते हुए मौली ये अपने बेड से उठ कमरे से निकल और तुरंत ही अपने किचन में जा फ्रिज वगैरह को खोलकर कुछ खाने के लिए ही ढूंढती, बट अनफॉर्चुनेटली इसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता सिवाय कुछ सब्जी और ब्रेड वगैरह के। तो अब इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देख मौली वो अंदर से फ्रस्ट्रेट होकर जिसकी मीट खाने की भूख अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी और वैसे भी घर में एट द करंट सिचुएशन ऐसा कुछ खाने के लिए था नहीं जो वो मौली की भूख मिटा सके। तो बस अब इन्हीं ही बातों को अपने दिमाग में डाल मौली वो तुरंत ही गुस्से में अपनी मॉम के पास जा, जो कि वो अपने कमरे के अंदर सो रही थी। पास ही में ही पड़े हुए एक बड़े से चक्कू को ले सीधे उसकी मदद से अपनी मॉम के गले को बुरी तरीके से काट, इनफैक्ट उनके हाथ पैरों को भी काट, बड़े ही कृपी तरीके से अपने ही मॉम के उनके बॉडी के मीट को खाने लग जाती है और बस अपना पेट भरकर फिर से अपने कमरे में जाकर सोने के लिए चली जाती है। और बस हमारी ये स्टोरी एक वेट फैमिली के वियर ट्रेडिशनल के साथ और एक क्रिपी नोट ठीक इधर ही एंड हो जाती है। सो एनीवेज अब हम चलते हैं हमारी आज के लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जिसका नाम होता है ए नाइट इन द हॉस्पिटल विद समवन। तो फाइनल स्टोरी की स्टार्टिंग एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही इस हॉस्पिटल में काम करने वाली एक जेसिका नाम के डॉक्टर को देख पाते हैं, जो कि वो प्रोफेशन से ऑटोप्सिया कैडेंड्रम डॉक्टर थी। आई मीन सिंपल भाषा में कहे तो मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज को एनालाइज कर पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर, जो कि जेसिका वो आज हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी का एक्स्ट्रा टाइम करते हुए मुर्दा घर के अंदर अकेले ही अपने ऑफिस के अंदर बैठकर आज सुबह ही ब्यूटरल एक्सीडेंट के दौरान मरी किसी मारा नाम की औरत का पोस्टमार्टम कर रही होती है। तो खैर कई घंटों तक पोस्टमार्टम करने के बाद जेसिका वो मारा की बॉडीज के ऑर्गन्स निकालकर जो कि रेलेवेंटली डैमेज हो चुके थे उन सभी ही कटे हुए एरियाज पर अच्छे से टाके वाके लगा बस एक बर्निंग चैम्बर में ले जाकर उसकी बॉडी को जलाने के लिए ही जाती। तो तभी ही अचानक से इस पूरे मुर्दा घर की लाइटें चली जाती है। तो लाइट के ऐसे जाते ही जेसिका को इसको इस बर्निंग चैम्बर के रूम के आसपास से किसी औरत की धीमे से हल्की हल्की सी हंसने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसे सुन जेसिका ये पास में ही पड़ी हुई एक टॉर्च को ले बस इस बारे में देखने की कोशिश करती। तो तभी ही उसी ही दौरान ठीक इसके सामने वही मारा नाम की औरत आ जाती है, जो कि आज सुबह एक ब्यूटरल एक्सीडेंट के दौरान बुरी तरीके से मर चुकी थी और जाहिर से ही बातें अभी थोड़ी देर पहले ही जेसिका ने इसका पोस्टमार्टम भी किया था। तो अब इस अनएक्सपेक्टिंग दिल दहला देने वाले सीन को देख जेसिका वो इससे कृपी से औरत से अपनी जान बचा कर रूम से बाहर निकल भागने की कोशिश करती। तो उससे पहले ही ये औरत उसके सर के बालों को पकड़ जेसिका की गर्दन को बुरी तरीके से तोड़कर सीधे उसे ही जलते हुए चैम्बर में डाल देती है, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले जेसिका इसको डालने वाली थी। और बस हमारी ये स्टोरी एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम करने वाली एक नर्स की अजीब मौत के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों इस मूवी के अंदर अभी भी कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जैसे कि डेमन एट द नाइट, द प्रिस्ट एंड द फैमिली अफेयर, जिनको अगर आप खुद ही देखोगे तभी ही आपको मजा आएगा, क्योंकि वो सभी ही स्टोरीज एक्सप्लेनेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वेल, अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात की ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों यही थी ए नाइट ऑफ हॉरर वॉल्यूम 1 की एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।